Subscribe and click the bell icon for television updates. तेजस्वी से याद आया कि अभी करण और तेजस्वी का कनेक्शन सबको दिख रहा है एंड अच्छा लग रहा है, तो इसके बारे में भी आपसे हम पूछेंगे कि कितने हद तक सही है, सच है या फिर सच में कनेक्शन बना पाए हैं वो लोग। तो आई नो करण, उस करण मी कनेक्टेड फ्रॉम एक सेकंड में जब मैं अंदर आया, मैं हम लोगों का कनेक्शन बन गया और ऐसे बात कर रहा था मेरे साथ कि भाई हमें मिलेंगे यहाँ करेंगे, और उसने मुझे बोला साहिल तू सही खेल रहा है, तू विदाउट द गेम तो सही खेल रहा है, तू अंडरडॉग खेल रहा है तो अच्छा खेल रहा है, कोई डरते नहीं है, कोई तेरे को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। सो आई अंडरस्टूड करण, फ्रॉम नोइंग करण एंड तेजस्वी, आई थिंक तेजस्वी वेरी स्मार्ट, बहुत स्वीट है, वो बहुत स्मार्ट है। जो डोनाल्ड के साथ हुआ था वो गलत था अकॉर्डिंग टू मी। अगर वो बोल रही है कि हमको वहां नहीं जाना है और फिर डोनाल्ड बोल रही है कि हम वहां नहीं जाएंगे और फिर जब शमिता आई उसने बदल दिया तो वो गलत है, क्योंकि तेजस्वी उस वक्त पे अपना स्टैंड बताने के लिए उसने कहा था, बट आई डोंट नो तेजस्वी एंड आई डोंट वांट टू नो हर आल्सो बिकॉज़ वो शी इज नॉट माय टाइप ऑफ हाय हाउ आर यू हेलो बस। तो व्हेन इट कम्स टू करण एंड तेजस्वी, आई ओनली सी तेजस्वी ट्राइंग, आई डोंट सी करण, करण कोशिश नहीं कर रहा है, वो करण के पास आ रही है, वो करण को बोल रही है कि ये है वो है और करण को पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग है, तो डू आई से कि करण गेम खेल रहा है, करण गेम सब गेम खेल रहे हैं पर करण थोड़ा मेरे जैसा है, मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोर रियल रियल। आई डोंट नो तेजस्वी कैसी है, बट आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आप स्निपिट्स देखते ना, हम जो देखते हैं वो स्निपिट्स से 24 घंटे में आपसे डेढ़ घंटा देखते हैं। Exactly. वो आफ्टर आवर्स में जब क्या बात हो रही है, पर आई टेल यू वन थिंग इज फॉर श्योर के सॉरी करण जो है वो जो भी फुटेज उन्होंने बताया है, करण नहीं ज्यादा जा रहा है वहां पे, वो आ रही है उसके पास, राइट? सो देन मेरे को कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, वो जो है वो दिखता है। अच्छा, कहीं ना कहीं ना जो ग्रुपिज्म वाली बात है, मतलब अभी के दिन में तो वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए हैं, चाहे वो शमिता वाला वो उनका हो या फिर करण जय तेजस्वी ये वाला ग्रुप, तो जंगल और अंदर के घर वालों का जो ग्रुप है, तो ये जो शुरुआत से था, ये तीनों का शुरुआत से था, करण तेजस्वी जो ऐसा कि प्लान करके आए थे ऑलमोस्ट। ओके, तो या तो ये लोग फिर भेड़ चाल में खेल रहे हैं ऐसा क्या हम बोल सकते हैं, बिकॉज़ कभी ये लोग एक साथ होते हैं, कभी ये इसके साथ, कभी वो उसके साथ, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, मतलब क्या बोल सकते हैं ये सब। दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी कि मैं घर में नहीं हूँ, मेरे को बचा दिया भगवान ने ये सब गेम से। ये जो टास्क होते हैं ना, और जो बिग बॉस का जो गेम है, उनका जो गेम है, जो फिर गेम खुलता है ना, उन चेस है ना, चेस गेम है, तो मेरे हिसाब से वो चेस गेम को एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए वो सही टास्क लगा रहे हैं जहाँ पे, और सही पेयरिंग कर रहे हैं, तो फिर वो देख जैसे कि जय और प्रतीक का वो झगड़ा हुआ रिसेंटली, राइट? मैंने देखा था। आई थिंक प्रतीक वाज इन द राइट, आई थिंक प्रतीक ने टास्क खेला और जय ने बोला मेरे को पैसे की नहीं, जय ने सुना भी नहीं वो कोई और क्या बोल रहा है, फिर तेजस्वी आके वो समझा रही है, फिर विशाल बोल रहा है कि देखो कैसे तेजस्वी जय को संभाल से बात कर रही है। तो आई जस्ट थिंक के ये सब शो है, देख एंडिंग के टाइम में सामने वाला सब दिख जाएगा, सामने वाले बहुत कम होंगे जो अपने फ्रेंड को बचाएंगे और अपने आप को डालेंगे अंदर, बहुत कम है। Exactly. मैं बोल रहा हूँ तीन भाग आ गए हैं जो ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तीन भाग, पर हम हमारे गलती गलती हम में है सोसाइटी में, क्या हमको नेगेटिविटी कनाइविंगनेस
और ये सब देख, हमें कोई इंसान exactly. नहीं देखना जो अंदर से पॉजिटिव है, सोच के प्यार से काम करता है, देख रहा है क्या हो रहा है, रुका रहा है फाइट्स को, वो नहीं, वो नहीं। हमको चाहिए कि एक सिम्बा जैसा हो जो जैसे कह, दूसरा हो जो जो चिल्ला रहा है ऐसा कि उसकी लाइफ तोड़-फोड़ दे रहा है सब कुछ। एग्जैक्टली गेम की बात करें तो जैसे आपने कहा कि सब खेल रहे, तो मायशा और ईशान की जो केमिस्ट्री है वो हमें दिख रही है, इवन आप लोगों ने भी देखी है, क्या लगता है मतलब? या मैंने अभी आंसर क्वेश्चन किया, मेरे को रट के मैं बोल सकता हूँ, मायशा और ईशान का रिलेशनशिप जो है वो मेरे सामने हुआ है, विच मीन्स दैट आई थिंक के जेन्युइन है, पर जो मैं बाहर आके देख रहा हूँ वो थोड़ा सा मुझे अजीब दिख रहा है कि उन लोग ने बस ऐसे बताया कि वो फेक है, और लोग बोल रहे हैं कि ईशान की तरफ से रियल लग रहा है पर मायशा की तरफ से फेक। मायशा डरी हुई है बेचारी, उसको पहले गेम खेलना है, फिर उसको एक अच्छा लड़का मिल रहा है, तो वो थोड़ी शॉक्ड है कि ऐसा हो भी रहा है जल्दी से, क्या रिएक्ट करना है एग्जैक्टली? हाँ हाँ, उसको ऐसा लग रहा है क्या रिएक्ट करना है, वो उसे समझ में नहीं आ रहा, वो जैसे वो कोशिश करी रिएक्ट करने का, वो बाहर आके वो बता रहे हैं कुछ और, तो मैंने जो देखा है और जो बाहर आ रहा है वो मेरे को अलग दिख रहा है, और जो मैं मुझे लगा कि आप प्रतीक को अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कौन क्या, बाहर आके लोग उसको इतना प्यार दे रहे, अजीब उल्टा लाइफ है, देखो जो जेन्युइन रिलेशनशिप मुझे लग रहा है वहां पे वो बाहर आके वो लग रहा है कि फेक है, तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, मे बी मैं ये दुनिया के लिए बना नहीं हूं, लेकिन लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं नहीं ऐसी बात है, और पर बट द थिंग इज कि मैं ये दुनिया नहीं कि बिग बॉस की दुनिया, बाकी की दुनिया के लिए ठीक, एग्जैक्टली, बट द थिंग इज मुझे ये मुझे जेन्युइन लगता है, बहुत दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कुछ और है तो।